सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं तथा मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कुछ मानदेय की भी खबरें हैं और कुछ आपके हड़ताल से रिलेटेड भी खबरें हैं। तो बहनों, सबसे पहली खबर जो व्हाट्सएप पे आई है और आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि 1 अप्रैल से ही ज्वाइनिंग हो गई है। अब यहाँ पे 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग से मतलब है जितनी भी पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी सहायिकाएँ बहनें कार्यकर्ताएँ बहनें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी, तो उन लोगों को ये आदेश आया है पर्यवेक्षक की तरफ से कि 1 तारीख से आप लोग आंगनबाड़ी केंद्र को खोलना शुरू कर दें। संपर्क ऐप से लेकर पोषण ट्रैकर तक हर जगह अब आप ओपनिंग कर लें इस चीज़ की। अब इस खबर में बहनों आगे भी बढ़ते हुए देखेंगे कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पे लिखा है विशेष सूचना, मंच के राज्य पदाधिकारी मंडल को आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव महिला तथा बाल विकास विभाग के चर्चा के लिए बुलाया गया। इस चर्चा में 7 प्रतिनिधि मंडल तथा आयुक्त महिला एवं बाल विकास से मिले। चर्चा के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा आंगनबाड़ी की मांगों पर चर्चा करते हुए भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो बहनें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहां पे भोपाल में कुछ चीज़ों पे निर्णय लिया जाएगा आपकी मांगों को लेकर। तो जो भी महिला बाल विकास के अधिकारी लोग वहां पे प्रतिनिधि लोग एज अ सदस्य वहां पे गए थे, तो उनसे इस चीज़ के बारे में चर्चा की गई है आंगनबाड़ी के मामलों में। तो अब हम ये देखेंगे कि उन्होंने किन किन मांगों पर चर्चा किया है और क्या उस चीज़ को पूरा करेंगे या नहीं। तो बहनें, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकती हैं मांग का कि मानदेय में वृद्धि की जाएगी। जी हाँ, उनके द्वारा तो ये चर्चा में तो ये बातें हुई हैं कि मानदेय में वृद्धि की जाएगी। सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को 1 लाख रुपए तथा सहायिका को 75,000 रुपए तथा मिनी कार्यकर्ता को भी 75,000 रुपए दिए जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से ये सुनिएगा कि आखिर वहाँ पे भोपाल में जब बुला के किन किन मांगों के ऊपर चर्चा की गई है। दिए जाएंगे से मतलब नहीं है जब तक वो पैसा बहनों के हाथ में या उनके मानदेय उनके खाते में नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे मानदेय के रूप में तो सिर्फ ये बोला गया कि मानदेय बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा इस चीज़ की कोई भी जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है। सिर्फ रिटायरमेंट पे यहाँ पे 1 लाख रुपए कार्यकर्ता, बाकी 75,000 रुपए सहायिका तथा मिनी कार्यकर्ता को मिलेंगे। तीसरी जिस चीज़ पे चर्चा की गई बहनों की, कार्यकाल में मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 मुश्त राशि दी जाएगी, साथ ही उनके परिवार की बेटी या बहू को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मतलब किसी भी आंगनबाड़ी बहन की ड्यूटी करते हुए अगर किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है तो जो मतलब मुआवजा है वो तो सरकार को सरकार के द्वारा परिवार को तो दिया ही जाएगा। अगर उनके परिवार में कोई बेटी या बहू है तो उनकी नौकरी भी उनको दी जाएगी। चौथा पॉइंट आप देखिए जिस पे चर्चा किया गया है कि कार्यकर्ता से सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति के लिए 75% पद कार्यकर्ता से भरे जाएंगे। सहायिका से कार्यकर्ता के रिक्त पदों पे 50% जो पद है तथा मिनी कार्यकर्ता से 50% पद भी आंगनबाड़ी के लिए भरे जाएंगे जिसने सेवा अवधि 5 वर्ष पूर्ण की हो। मतलब मैंने आपको बहनों जैसे कि पहले ही बताया था कि 5 वर्ष से ऊपर की, मैंने तो हालांकि 10 वर्ष भी बताया था कि 10 साल से ऊपर की जितनी भी एक्सपीरियंस वाली आंगनबाड़ी बहनें हैं जिन्होंने इस चीज़ में बहुत समय दिया, उनको पूरी तरीके से जानकारी और नॉलेज है, उनको ही सुपरवाइजर पद पर ही पदोन्नति किया जाए। तो यहाँ पे इनके द्वारा तो कहा गया है कि 75% पद जो है कि कार्यकर्ता द्वारा ही भरे जाएंगे, मात्र बचे हुए 25% जो पद हैं वो सिर्फ ऑनलाइन पेपर के द्वारा बालिकाओं के द्वारा जो कि 12वीं पास या कोई अदर रिक्वायरमेंट के थ्रू अगर उस पेपर को देती हैं। तो उसके अलावा बहनों और भी पाँचवा पॉइंट अगर आप देखें जिस चीज़ पर चर्चा की गई है महिला बाल विकास परियोजना के द्वारा कि कार्यकर्ता सहायिका की सेवानिवृत्ति उम्र 1 वर्ष और बढ़ाई जाएगी। मतलब जो रिटायरमेंट वाली चीज़ को 60 वर्ष इन्होंने फिक्स किया है कि 60 साल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को रिटायर कर देना है, तो उनकी जो रिटायरमेंटी की उम्र है मतलब 61 साल कर दी जाएगी या फिर जब भी रिटायरमेंट की जो भी उम्र रखी जाएगी सरकार की तरफ से उसमें से 1 वर्ष और बढ़ा दी जाएगी। तो उक्त मांगों को सहमति आयुक्त महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश से चर्चा कर बनाई गई है तथा उसके बाद प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग से चर्चा कर उक्त सहमति बनी जिससे 15 से 25 अप्रैल के बीच पूरा भी किया जाएगा, जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही खुशखबरी वाली बात है हमारी बहनों को। और ये भी हम चाहते हैं कि उनके द्वारा जितनी भी हड़ताल की गई हैं, जितनी भी मेहनत और कष्ट उनके द्वारा सहे गए हैं, तो आने वाले इसी 15 से 25 अप्रैल के बीच बहनों का जो है कि मानदेय पूरे तरीके से बढ़ जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मानदेय मिले जिस प्रकार की वो मेहनत करती हैं।
बहनों, इसी बीच मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कलेक्टरों की बैठक कर हड़ताल में गए कर्मचारियों को अनुशंसात्मक कार्यवाही किए जाने के मौखिक आदेश भी दिए गए हैं, जिसके कारण बहुत सी कार्यकर्ताएं, सुपरवाइजर एवं पदाधिकारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। बहुत से परियोजना अधिकारी एवं सुपरवाइजर ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? मांगे पूरी होने का अप्रैल माह का इंतजार करना चाहिए या हड़ताल जारी रखना चाहिए? तो इसमें भी हम आपको बता रहे हैं कि आप में से बहुत से लोग फिर कमेंट में कहेंगे, सर कि इस तो क्या हम 15 से 25 अप्रैल तक अपने मानदेय का इंतजार कर लें या फिर हड़ताल को जारी रखें और या फिर स्कूल को खोलें, आंगनबाड़ी केंद्रों को। तो इसके बाद संयुक्त मोर्चा की एक बैठक में की गई थी, जिसमें सभी संयुक्त मंच के जो संगठनों के जिला अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा कर 1 अप्रैल को ज्वाइन ऑनलाइन बैठक में सर्वसम्मति के निर्णय लिया गया है कि आगे क्या करना है, हड़ताल को स्थगित कर देना है या आगे चलना है। इसके लिए सभी जिलों के साथियों से अनुरोध था कि वो सुबह 10 बजे तक अपनी राय बताएं। तो बहनों, मैं सीधे सीधे अब बता दूं कि आंगनबाड़ी केंद्र खुलने लगे हैं, तो अब आप भी संपर्क ऐप और पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनबाड़ी केंद्र खोलें। जिस प्रकार से गर्म ताज़ा नाश्ता भोजन बांटते हैं, गृह भ्रमण करते हैं, पुरानी एक्टिविटी आपको चालू करनी है 15 से 25 अप्रैल तक ही सिर्फ, ताकि हमको ये तो पता चल जाए कि सरकार ने सिर्फ उस चीज़ पे चर्चा ही की है या हमारा मानदेय बढ़ाएगा या हमारा मानदेय सिर्फ मिलेगा भी। तो इसी के साथ बढ़ते हैं बहनों अगली खबर पे। तो अब देखिए अगली खबर में भी आंगनबाड़ी बहन के द्वारा एक मैसेज है कि साथी बहनों या प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास का यह बयान है, सुने और समझें, अपने ऐसी ही ऐतिहासिक एकता को बनाए रखें संयुक्त मोर्चा बैनर तले। ऐतिहासिक एकता के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जिला कमेटी की ओर से। अभी हार नहीं माननी है, आगे और तैयारी के साथ मैदान में उतरना है। तैयारी के लिए टाइम मिला है, अपने अपने क्षेत्र बतर में आपको आगे आके साबित करना है कि हम महिलाएं बाल विकास की टीम का काम है। सभी साथियों को इस मामले में धन्यवाद। तो बहनों, साथी बहनों, कोई टीका टिप्पणी नहीं है। 1 अप्रैल 2023 यानी आज से, मतलब ये परसों का मैसेज था कि हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है, जैसा कि मैं भी आप लोगों से बोला था। अतः सभी बहनों से अनुरोध है कि पोषण ट्रैकर एवं संपर्क ऐप में आज तुरंत ही उपस्थिति को दर्ज करें, जिला समिति रीवा। तो सुपरवाइजर, CDPO, परियोजना अधिकारी, इन्होंने ज्वाइन कर ली है अपनी अपनी ड्यूटी। अगर कोई कार्यकर्ता टर्मिनेट हो जाएगा तो उसके घर का खर्चा कैसे चलेगा और इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप या हम? तो इसलिए सुपरवाइजरों का भी यह अनुरोध है कि हमारी जो मांग मुख्यतः थी, तो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, जो कि केंद्र सरकार का निर्णय करना है। इसलिए दिल्ली रैली में हम सभी लोग जोरदार तरीके से भागीदारी करनी चाहिए, ताकि केंद्र सरकार पर अपना दबाव हम बना सके। और रही बात हड़ताल की, तो ये हड़ताल संयुक्त मोर्चे की थी, जिसमें संयुक्त मोर्चे के निर्णय के अनुसार हड़ताल वापस ले ली गई है। तो मतलब जैसा कि पहले ही मैंने बताया था कि आने वाले 3 और 4 अप्रैल को दिल्ली में भी जाके आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा हड़ताल किया जाएगा, तो वो हड़ताल भी किया ही जाना है। तो भोपाल में जिस प्रकार के निर्णय लिए गए हैं बहनों, तो उससे तो ये चीज़ क्लियर है कि 15 से 25 तारीख के बीच में अगर सरकार नहीं बढ़ाती है पैसा, तब हमको आगे की कार्यवाही करते हुए हड़ताल को फिर जारी रख देना है। और अगर पैसा बढ़ा देती है तो हम जिस तरीके से अभी तक आंगनबाड़ी में कार्य कर रहे थे, उसी तरह आप बहनों को वहाँ पर कार्य करना है। बहनों, यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी आए हैं, आपको भी ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करते रहिए कि आपके यहाँ कहाँ पे मानदेय बढ़ा है, मानदेय आपका कितना आया है, या किसी भी प्रकार का सवाल जवाब हो। तो यहाँ पे देखिए, एक बहन है रचना विश्वकर्मा, इन्होंने ये कहा कि MP में अभी नहीं बढ़ी। तो मैं बहन से ये बोलूँगा कि आप 15 से 25 तारीख का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि जब अगले महीने पिछले महीने का जो भी मानदेय आएगा, अगर वो बढ़ के आता है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मानदेय बढ़ चुका है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी कमेंट हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारी मांगे पूरी करो, मानदेय बढ़ाओ। यहाँ पे कई बहनों का तो यही कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इस हड़ताल से भी दिक्कत, बहनों आप देख सकते हैं, इनके द्वारा कहा गया कि हड़ताल खत्म करो, मेरा काम रुका हुआ है। अब इनको यह कौन बताए कि बहनें इतनी मेहनत से काम करती हैं, लेकिन जब उनका मेहनताना उनको नहीं मिलता, उस प्रकार से पैसा मानदेय नहीं मिलता, तो हम हड़ताल को कैसे ख़त्म कर दें? बहुत से लोगों का कहना कि सर हमारा काम रुका हुआ है महिला बाल विकास से। तो मैं उनको बोलूँगा, काम आपका बिल्कुल नहीं रुकेगा, बस ये कि कुछ दिनों का इंतज़ार कर लीजिए, क्योंकि हर किसी को अपने मेहनत के अनुसार मानदेय की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बाद आराम से ये चीज़ें चालू हो जाएंगी।
कुछ लोगों का ये भी कहना कि हड़ताल कब तक रहेगी, तो मैं वैसे भी बोल दी हूँ 1 अप्रैल से आंगनबाड़ी केंद्र खुलना चालू हो गए हैं, आप जाके अपना कार्य करवा सकते हैं। कुछ लोगों के खाते में सिर्फ 1,000 ही रुपए आए हैं, और कुछ बहनों ने तो ये भी सपोर्ट किया कि जो दिल्ली में हड़ताल है वहाँ सभी को जाना चाहिए। तो इसी के साथ बहनों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।